इसमें कुछ अच्छा न लगे, कुछ भी तो यहाँ सच्चा न लगे। चाहत का यहाँ कोई मोल नहीं। कहाँ हुआ बजरंगी दादा? हम पूछे थे कहाँ हुआ? एक ही छत के नीचे प्यार का मंदिर और मस्जिद बनाने वाले, देख देख अपने भाई का अंजाम। अगर फाइल लेकर एयरपोर्ट नहीं पहुंचा तो इंसानियत की छत के नीचे नफरत के बारूद का वो धमाका करूंगा कि पूरा मुल्क कांप उठेगा। मुकराज, सदियों पहले इमाम हुसैन ने ईमान की राह पर कुर्बानी दी थी और आज हमरे नन्हे हुसैन ने प्यार की राह पर अपनी जान दे दी। हमें कसम है इस हुसैन की, जब तक भाई भाई को जुदा करने वाले त्योहार जैसे देश के गद्दार को मिटा नहीं दूंगा, तब तक रोटी का हर निवाला हमें हराम है। मानदा इसको। खोलो इसे। इतना रुपया तो रिजर्व बैंक के पास भी नहीं होगा। वर्मा, तूने अपनी वर्दी बेचकर हमको खरीद लिया है। वाह, जितना रुपया अपनी जेबों में भर सकता है भर ले। अच्छा। ये साले बेईमान सरकारी दर्जी कपड़ा भी खा जाते हैं, कितनी छोटी छोटी जेबें बनाते हैं। अरे साले, तेरा बस चले ना तो तू अपनी बेटी के कपड़े उतरवा के उसकी भी जेबें बनवा ले। सामान बहुत चलती है तेरी, बोल ले जितना बोलना है। पहले मैं इससे निपटू, बाद में तुझसे निपटूंगा मैं। महादेव, इसमें से एक पूरा बैग तेरा है, उठा ले। पूरा बैग? लेकिन मुझे तो सिर्फ इतना ही बस। वर्मा, इस बेचारे ने तो बापू की खादी बेच दी, क्या उसकी कीमत एक बैग भी नहीं? महादेव, उठा ले। नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, फाइल चाहिए फाइल। वैसे भी इन दिनों सीबीआई और इनकम टैक्स वालों ने हम नेताओं की नींदें हराम कर रखी हैं, इतने सारे पैसे रखूंगा कहाँ? वही जहाँ इस देश के बड़े बड़े स्मगलर्स, किलर्स और तेरे जैसे नेताओं ने रखे। स्विस बैंक में, मुझे मालूम है। वो गोरे लोग काले धन को इतनी हिफाजत से रखते हैं, इसीलिए तो हिंदुस्तान का इतना पैसा उनके पास रखा है। अगर वो सारा रुपया हिंदुस्तान आ जाए तो हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क हो जाए। लेकिन वर्मा और महादेव जैसे महान इंसानों के होते हुए वो दिन कभी नहीं आ सकता। अरे जरूर आएगा कोका। बहुत लूट चुके हो तुम लोग इस देश को। जनता के गुस्से का ज्वालामुखी अब
फटने ही वाला है, जिसके लावे में तुम जैसे गद्दारों का नामो निशान तक मिट जाएगा। सारा दल का चोर जगराज आज देशभक्तों की तरह बातें कर रहा है। अगर उस मुसलमान का भी दिमाग खराब हो गया और मेरी फाइल लेकर नहीं आया तो? आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि एक फाइल के लिए वो अपने दोस्त और महबूबा की जान तो नहीं गवा सकता। नहीं चक्राज, वो फाइल लेकर नहीं, वो तेरी मौत लेकर आएगा। उसने सारे रिश्तों को देश के नाम कुर्बान कर दिया है चक्राज, और जब एक मुसलमान के दिल में कुर्बानी का जज्बा जागता है ना चक्राज, तो उसका फौलादी सीना दुश्मनों के पैटर्न टैंक तक की धज्जियां उड़ा देता है। तू तो चीज से क्या है चक्राज? मैं वो चीज हूँ जो इस देश के हिंदू मुसलमानों को भाई भाई की तरह नहीं रहने दूंगा। हम सदे हिंदुओं के मुसलमान की तारीफ करता है। सर है हिमालय जिसका हो,
सच है के भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है के भगवान है